लगाए जाने हैं। हमारे एडीसी साहब यहाँ पे मौजूद हैं, हमने रेवेन्यू का ऑफिसर्स हैं, सेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, डिविजनल ऑफिसर्स हैं, एग्जीएंस हैं, आपका लोअर स्टाफ अगर कहीं, बाकी लोग जो हैं खुद भी टूर पे रहेंगे और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसके लोग हैं, पब्लिक की सर्विसेज हैं, जैसे वाटर कनेक्शन देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, इसका प्रोसीजर क्या है वो लॉन्च करवा दीजिए। तो जो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, एक अलग हेल्पलाइन करें, सही है गलत है, अभी टाइम लगना है, जैसा है, अगर बीटीटी एक ही बंदा 10 लोगों के काम लेके आ रहा है, वो उसके उसके पीछे उसका क्या पर्पज है। अब आप ये नहीं कर सकते कि वो ग्रीवेंस लाए तो आप बोले नहीं अब ग्रीवेंस हम भी सुनेंगे, आप बोलिए आपने को टाउन ड्रेनेज सर क्या कर रहे हो आप, देखिए भ्रष्टाचार मुक्त जे एंड के वीक आज से यहाँ पे स्टार्ट हुआ है बांडेपुरा में भी। और जो हमारे इसकी में एक्टिविटीज़ हैं वो मेनली ये हैं कि हम पब्लिक आउटरीच, मैसिव पब्लिक आउटरीच इसमें प्लान किया है, जिसमें हर एक पंचायत लेवल पे हर एक जो डिपार्टमेंट के ऑफिसेज हैं वो प्रेजेंट रहेंगे अपने डिपार्टमेंट की सर्विसेज के बारे में बताने के लिए, और अगर कोई इश्यूज़ लोगों को आ रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए, ताकि वो इश्यूज़ जो हैं वहीं पर ऑन स्पॉट रिजॉल्व हो जाएँ। ज़्यादातर जो हमने देखा है जो करप्शन का चांस रहता है या जो पब्लिक में ग्रीवेंस रहती है वो यही रहती है, अगर उनको टाइमली जो है सर्विस नहीं मिलती है, तो वो टाइमली मिल पाए उसके लिए बात करने के लिए जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ पे मौजूद रहेंगे। प्लस अगर कोई ग्रीवेंस है, करप्शन रिलेटेड ग्रीवेंस है या इस तरह की कोई ग्रीवेंस है, तो वो वहाँ पे कैंप में सामने आ सकती है। इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इसका हेल्पलाइन नंबर हम आज जारी कर रहे हैं, जिससे इसमें वो चीज़ें आ सकती हैं। और अगर एनोनिमसली भी अगर वो कंप्लेंट करना चाहते हैं तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर हैं, हमारे ADC साहब होते हैं, उनके पास ये जो कंप्लेंट है वो दे सकते हैं। ये आज हम प्रेस के थ्रू भी, मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू भी बता रहे हैं, और अपने ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन का स्टेटमेंट रहता है उसमें भी बता देंगे कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं जिससे बात की जा सकती है। दूसरा, कई बार ऐसा देखा गया है कई इस तरह के डाउट्स रहते हैं जो ना कि गवर्नमेंट मुलाजिम होते हैं बल्कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं ये बोल के कि हम आपका काम करवा देंगे, और अक्सर लोग उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो उस पर भी नज़र रखने को कहा गया है। डिपार्टमेंट इस चीज़ को देखें कि किस तरह के लोग किन लोगों के काम लेके आ रहे हैं, और अगर काम ऑटोमेटेड है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर है और खुद ही होना है, तो पैनिक ना क्रिएट हो लोगों के बीच में, और इस तरह के जो डाउट्स रहते हैं या इस तरह के जो एजेंट्स रहते हैं वो पैनिक ना क्रिएट करें, तो ये भी ज़रूरी है लोगों को बताना, इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश होगी मीडिया के माध्यम से कि लोगों को ये बताया जाए कि हमारे जो ग्रीवेंस रिड्रेसल के क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी सेटअप हैं, हमारे जो पोर्टल है ऑनलाइन वो भी इन प्लेस है, आज हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी इसके बारे में लॉन्च हो जाएगा, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑफिसर हैं वो ADC साहब हैं, और जो पब्लिक है उनको ये अपील है कि इस तरह से अगर कहीं पे भी कोई ग्रीवेंस आती है हमारे सामने लाएं, किसी भी एजेंट और टाउट से जाने के पास जाने से बेहतर है कि अगर डिपार्टमेंट को रब्ता करना चाहें वो ज़्यादा अच्छा है। और मैक्सिमम हमारी 1000 से ऊपर जो सर्विसेज हैं वो अब ई सर्विसेज बन चुकी हैं, ऑनलाइन है उनको, और टाइम बाउंड सर्विसेज भी इंक्रीज हुई हैं जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर हैं, तो बहुत सारी सर्विसेज ऑटोमेटिकली होनी ही होती हैं, तो वो भी किसी की बातों में ना आए कि बिना दफ्तर में जाए हुए सर्विस नहीं होगी। इंटरेक्शन होता है पब्लिक का और ऑफिसेज का वो मिनिमम हो, ये हमारा टारगेट है, और हमें उम्मीद है कि बहुत सक्सेसफुली हम इसको कर पाएंगे।